नमस्कार, डीपीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट उदयपुर पहुंचे और स्वर्गीय कन्हैया लाल के परिजनों से मुलाकात की। बाद में मीडिया से पायलट ने कहा कि इस वक्त उनका परिवार जिस दर्द से गुजर रहा है उसे लफ्जों में बयां किया ही नहीं जा सकता। पायलट ने कहा कि उदयपुर में जो घटना हुई है वो इंसानियत के दायरे से बाहर है। जिस तरह से उनका कत्ल किया गया, वीडियो बनाई गई, दहशत फैलाने का काम है। आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन मैं मानता हूं कि फास्ट ट्रायल कोर्ट बनाकर जल्द से जल्द और सख्त सजा देनी चाहिए। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि इसके पीछे कोई संस्था है या संगठन है, इसकी जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सचिन पायलट ने कन्हैयालाल टेलर के घर पहुंचकर कहा कि मामले की जांच ANI कर रही है। साथ ही पायलट ने आरोपियों के लिए जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग भी की है। पायलट ने कहा कि ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है। इस हत्या के जरिए आरोपी दहशत फैलाना चाहते हैं। आरोपियों में ने जो हैवानियत का मैसेज देने की कोशिश की है वो किसी भी समाज और राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। पायलट ने कहा कि इस मामले को स्पेशल कोर्ट के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए, साथ ही जो भी दोषी है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पायलट ने कहा कि हमारी तरफ से पूरी मदद की जाएगी ताकि न्याय मिलने में देर न हो।